उपद्रवियों से वसूली वाले कानून पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। ये इसका जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, हमने बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया गया और इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, या तो सिलेक्ट कमेटी में भेजते, जल्दबाजी में लाया गया, तो इस वास्ते हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया। हमने कहा कि भाई डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दी गई हमारे को, ये प्रजातंत्र का गला घोट गया, जबकि रूल्स में डिवीजन का प्रोविजन है। ये जो बिल हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, क्योंकि ये अब सरकार ने सड़कें खो दी थी, पिछली बार प्रकाश सिंह कमेटी ने पूरी तरह से सरकार को दोषी माना गया, तो सरकार को एक तरफा थोड़ा होगा, अगर सरकार दोषी होगी तो उसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए था, इसमें उसका भी तो होना चाहिए, सरकार के एक्शन से कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो उसका दोषी कौन होगा, तो इस वास्ते जल्दबाजी में किया गया, ये बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए था और ये इसी वास्ते हमने इसको अपोज किया था। और जब हमारी बात नहीं मानी, वोटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ MLA मेरे को ऐसा लगा कि इस हक में थे कि अभी इसको ना इंट्रोड्यूस किया जाए और इस पर पूर्ण विचार करके सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।